ये देखिए घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा, क्योंकि ये Maybach है दोस्तों। अब ये देखो आप, अभी ये देखो हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक तरह से। अभी देखो मेरा, देखो अब मेरी सीट्स कैसे बनेगी। अभी उसके आगे एक और चीज़ आएगी, उधर सीट में से भी कुछ निकलेगा। Yo everyone, this is Irfan and welcome to Mycountrymyride. तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है Mycountrymyride के एक और व्लॉग में। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे, क्योंकि इनके स्टॉक में एक ऐसी गाड़ी ऐड हुई है जो कहते हैं मिलेनियर और बिलेनियर जो लोग होते हैं वही इस गाड़ी को रखते हैं। और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे Mycountrymyride फैमिली को एक गाड़ी दिखाने की। तो गाड़ी का मैं आपको अभी लोगो दिखाता हूँ। आप थंबनेल में से देख के आए हैं वैसे गाड़ी, बट आप लोगो देखो, गाड़ी है। बहुत सारे भाई समझ गए हैं कि कौन सी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम जिस गाड़ी की बात करेंगे दोस्तों, वो रहने वाली है मर्सिडीज़ की S560 Maybach, जो आ चुकी है द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप के स्टॉक में। अब आप गाड़ी देखो, अब Maybach नाम से ही लग्जरी दिमाग में एकदम आ जाती है, क्योंकि Maybach जो गाड़ियाँ होती हैं वो डिफाइन करती हैं नॉट इवन लग्जरी दोस्तों। इन गाड़ियों को जाना जाता है अल्ट्रा लग्जरी के नाम से, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर इतना ज़्यादा कंफर्ट होता है कि लग्जरी गाड़ियों को अगर कोई असली डिफाइन करती है ना चीज़, तो वो यही है। आज इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या फ़ीचर आते हैं लोडेड, और कितने ही इंटरेस्टिंग प्राइस में आती है गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी ब्रांड न्यू है ऑलमोस्ट। तो इस वीडियो को पूरी देखना, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी पता लग सके कि Mycountrymyride आपके लिए कितनी स्पेशल स्पेशल कार लेके आता रहता है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो ये लाल कलर का बटन दबा के हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली के साथ जुड़ने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आने वाले टाइम में जब आप गाड़ियाँ ढूँढ रहे होते हो तो हमारा चैनल आपको हेल्प करता है आपकी फाइंड ढूँढने के लिए। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और जानेंगे इस ब्यूटीफुल लेडी की डिटेल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome to Maybach journey. अभी हम देखेंगे दोस्तों, अब शुरुआत करने लगे हैं हम इस गाड़ी की डिटेल से। गाड़ी की है मेरे पास इस टाइम, बहुत ही महंगी की इसे हम कह सकते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव की हमें कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। तो अब इस गाड़ी की पूरी डिटेल एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और कितनी ही अच्छी कंडीशन में खड़ी हुई है द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे। ओके दोस्तों, तो अब मैं ज़रा आपको ज़रा इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड समझाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसी है ये गाड़ी दिखने में। अब आप साइड से देख पा रहे हो इस गाड़ी की प्रोफाइल, तो ये है मर्सिडीज़ S560 Maybach। अब प्रॉपर लॉन्ग व्हील बेस है ये गाड़ी, तो आप देखोगे तो जो इसकी लंबाई है गाड़ी की वो बहुत ही ज़्यादा है। ब्लैक कलर इसका रहने वाला है ओरिजिनली। अब चलते हैं इसके अलॉय व्हील्स की तरफ, तो अलॉय व्हील्स जो हैं इसके 19 इंच के स्टॉक अलॉय हैं, आप इस तरफ से भी देख सकते हैं। अब चलते हैं पीछे, तो पीछे से ये कुछ दिखती है इस कंडीशन में। ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते हैं एक इधर और एक इधर। तो ये रही चाबी मेरे हाथ में, अब इसका बूट ओपन करेंगे, बटन दबाएंगे। अब ये देखो इलेक्ट्रिकली टेलगेट है, तो ये बूट अभी ओपन हो गया। अब आप देख सकते हो पीछे आपको यहाँ पर सब बूफर ही मिलता है, एक स्पेयर भी मिलता है। 500 लीटर का बूट है ये जो आप देख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग इस गाड़ी को बनाता है ना
वो बनाता है इसका इंटीरियर। अब इसको बंद कर देते हैं, करना कुछ नहीं, सिर्फ बटन दबाना है और ये इलेक्ट्रिकली बंद हो जाएगी। और सॉफ्ट क्लोज डोर है इसके। अब बात करते हैं मेबैक की हेयर ब्रांडिंग, आप देख सकते हैं टेल लैम्प भी आप देख सकते हैं, और इस तरफ से आप देखो कंडीशन गाड़ी की कि इस तरफ से क्या ही कंडीशन रहने वाली है इस गाड़ी की। सही बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है इस गाड़ी के अंदर। ऐसे ही इसे अल्ट्रा लग्जरी कार नहीं कहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ ये गाड़ी आती है। अब बात करते हैं इसकी लाइटों की। ये जो गाड़ी है वो है 4 लीटर पेट्रोल इंजन, 465 BHP की गाड़ी है। अब ये देखो, आप स्टार्ट हो गई गाड़ी इस टाइम। फ्रंट ग्रिल देखो और ये लाइटें देखो, DRL प्रोजेक्टर LED एवरीथिंग इज़ लोडेड हियर। क्या अमेजिंग लग रही है यार। अब इसके ज़रा डिपर ऑन करते हैं। इस टाइम पूरी गाड़ी ऑन है, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं है जी गाड़ी के अंदर। 2019 मॉडल कार है ये, मेबैक की हेयर ब्रांडिंग आप देखते हैं। अब मैं कितना क्लोज हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आ रही। 360 कैमरे के साथ आती है, तो ये कैमरा आप यहाँ भी देख सकते हैं। गाड़ी खड़ी हुई है द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे, स्टॉक पे। तो अभी मैं आपको एक कैमरे का एक और मैजिक दिखाता हूँ। अभी ये देखो, जब ये रिवर्स होती है गाड़ी, तो आप देखोगे किस तरीके से कैमरा होता है। अभी हम दोबारा इसे करेंगे तो देखना किस तरीके से अंदर जाएगा। अभी चला गया, अब ये दोबारा एक बार करेंगे तो उसके ये देखिए किस तरीके से आ रहा है। अब इसको ज़रा साइड से मैं आपको दिखाता हूँ और पीछे से टेल लैम्प दिखाता हूँ। अब आप इधर से देख सकते हैं, और अब चलते हैं पीछे की जो लुक आने वाली है ना इसकी लाइटों में। अब आप ये देखो, अब पीछे वाला जो कैमरा है आप सोचोगे कहाँ पे है। अब ये देखो, अभी ये दोबारा से निकलेगा, ये देख रहे हो आप, ये रहा इसका कैमरा पीछे। और आवाज़ सुनो, आप आवाज़ सुनने की कोशिश करो। तो ये देखिए बहुत ही क्यूट साउंड है, 4 लीटर 8 सिलेंडर कार है, तो बहुत ही अमेजिंग इसका साउंड भी आ रहा है। अब जो सॉफ्ट क्लोज डोर है ना वो देखते हैं इसके, अभी अंदर नहीं लेके जाऊंगा आपको। अब डोर देखो आप, ठीक है, अभी साइड से मिस्टर व्यास पूरा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब हल्का सा सिर्फ मैं इसे पुश करूँगा, ये देखो ये इस गेट में भी हो रहा है और पीछे में यही होगा। और ये देखो, ठीक है, ये देखिए सॉफ्ट क्लोज डोर। अब जरा लग्जरी का जो असली मज़ा है ना वो इस गाड़ी का, इस साइड से नहीं, उस साइड से आपको दिलाऊंगा। आगे बंदा बैठे पीछे बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस गाड़ी के अंदर, हर सीट की अपनी वैल्यू है। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू द मेबैक अल्ट्रा लग्जरी। मेबैक की ब्रांडिंग देख लो, जो स्कफ प्लेट्स होती हैं वो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखती हैं। कोई मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग नहीं होती, कोई मॉडिफाइड मेबैक नहीं है, ये है प्रॉपर मेबैक कार। अब इसके अंदर मैं बैठता हूँ और आपको बताता हूँ कि जब इसके अंदर हम बैठते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि लंबी गाड़ी होगा क्या फील होता है, कि जो लॉन्ग व्हील बेस कार होती हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, और कितनी ही ज़्यादा उनके अंदर लग्जरी होती है। अब बर्मिस्तर के इसके अंदर आप देखोगे तो ऑडियो सिस्टम लगा हुआ, ये जो ट्विटर है जब मैं स्टार्ट करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा, ये बेसिकली बाहर आ जाती है। मेमोरी सीट्स हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स हैं, हीटेड सीट हैं, कूलिंग सीट्स हैं, एवरीथिंग इज़ लोडेड हियर दोस्तों। सारे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पे विंडोज़ के। बाकी अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो अगेन आप देख सकते हैं मेबैक, हर जगह आपको ब्रांडिंग मिलेगी, अपनी क्लॉक मिल जाती है, स्टेयरिंग व्हील देखो कितना क्यूट है। अभी इस टाइम हैजार्ड लाइट जल रही है तो इसको हम कर देते हैं बंद। पुश स्टार्ट है गाड़ी, तो अभी पुश स्टार्ट बटन जो है वो मेरे पास है, पुश स्टार्ट बटन, तो मैं बटन दबाऊँगा ब्रेक पे, पैर दबा के। गाड़ी इस टाइम हो चुकी है स्टार्ट एंड हेयर इज़ दी मेबैक लोगो। अब आप ये देखो, ये पूरा ऑल डिजिटल टैबलेट आप इसे कह सकते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब ये चाबी को मैं रख देता हूँ और ज़रा स्टेयरिंग को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ये गाड़ी जो है वो 9 ऑटोमेटिक स्पीड ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। ये V8 इंजन वाली गाड़ी है दोस्तों, और 8 सिलेंडर कार है ये। और जो इसकी BHP वो मैंने आपको बताई है 465 BHP है, और जो माइलेज प्रोड्यूस करता है ये इंजन वो करता है 7 की, 6 से 7 की आपको माइलेज मिलती है। बट जो गाड़ी ये रखते हैं उनको माइलेज से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, ऑनेस्टी वाली बात ये है, क्योंकि करोड़ों की गाड़ी है। अब आप फंक्शन समझें सबसे पहले इसके, सबसे पहले हम जरा स्टेयरिंग पे आ जाते हैं। तो ये 4000 cc की गाड़ी है, 4 लीटर पेट्रोल इंजन है, तो पैडल शिफ्ट आप देख सकते हैं, ऑल डिजिटल है जी। अगर आप देखोगे तो, अगर आप किलोमीटर पे देखना चाहो तो अभी ये माइल्स पे है, अभी माइल्स में कन्वर्ट की हुई है, तो 7970 माइल्स ये चली हुई है अभी तक, 2019 मॉडल है। एक्सीलेटर पे पांव दबाता हूँ तो आप ये देखो,
ये पूरा डिजिटल ही आपको दिखेगा। और जो भी हम बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो होती है ये दोस्तों, अब ये देखो आप, इतना बड़ा कैमरा है इसके अंदर 360 कि आपको दूर दूर तक आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, मिरर में भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूरी गाड़ी की इमेज आपको यहाँ पे मिलती है। अब ये देखो, अब इसके ज़रा एंगल चेंज करते हैं, अब ये देखो कैमरे के हम एंगल चेंज करेंगे, अब मैं इसे ऊपर करता हूँ तो ये देखो, ठीक है, अब उसके बाद ये करता हूँ तो ये हमारे साइड के आ गए हैं। हाँ दोस्तों, ये फ्रंट है क्योंकि इसके अंदर इमेज आ गई, ये बैक का हो गया, ये फ्रंट हो गया, और ये आगे से तीनों एंगल हो गए जो इस तरफ भी मिरर में भी लगे हुए हैं और आगे भी। और उसके बाद अगर और ऊपर करते हैं तो आपको ये दिखता है पीछे का। अब रिवर्स पार्किंग कैमरा करते हैं तो अभी जैसे गाड़ी को थोड़ा सा मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ तो आपको दिखेगी गाड़ी की, देखो देखो क्या यार, कितना बड़ा डिस्टेंस आपको बताती है गाड़ी। तो अभी इसे मैं पी पे कर देता हूँ, पी फॉर पार्क। और यहाँ पे आप समझते हैं, अब ये जो मर्सिडीज़ का डिफ़ॉल्ट आता है गाड़ियों में बेसिकली, वो आपका रहता है टच, कि आप जैसे टच करना चाहें तो सिर्फ वन टच में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाइट कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कि गाड़ी की आप चाहें तो हाइट को, ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी गाड़ी डाउन जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी की हाइट आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस टाइम ये गाड़ी अब जा रही है डाउन, अब इसे बटन दबा दूंगा तो ये व्हीकल इज़ राइजिंग। अब आप देखते हैं अब ऊपर हो रहा है, कैमरे में कैप्चर होना हो, लेकिन हाइट इसकी ऊपर जा रही है। आपने नोट किया नहीं कि आई डोंट नो, बट जैसे ही ये बंद हो जाती है तो ये जो ट्विटर हैं ये अपने वापस घूम के चले जाएंगे। ये देखिए घूम रहा, ये देखिए अभी घूम के चले गए, अब ये देखिए वापस चले गए। अब हम इस गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आप देखना ये जो ट्विटर है ये बहुत ही क्यूट है, बर्मिस्तर का जो स्टॉक ऑडियो इसके अंदर आता है। अब ये देखो आप गाड़ी स्टार्ट, अब ये देखो कितने क्यूट तरीके से घूम के रोटेट होके ये ट्विटर बाहर आते हैं। यार अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो इसकी चीज़ है ना, अभी तो दोस्तों अभी तो कुछ भी लग्जरी स्टार्ट नहीं हुई है, असली लग्जरी तो पीछे है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी आप ज़रा फीचर समझ लो, अब यहाँ पे आपको इसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रोल भी मिलते हैं कि मतलब कौन कौन से मोड पे आप इसे चलाना चाहते हैं। इसके अंदर कम्फर्ट मोड है, इको मोड है, स्पोर्ट मोड है और इंडिविजुअल है, तो इसके अंदर चार मोड आपको मिलते हैं। और उसी के साथ नेविगेशन पर क्लिक करेंगे तो आप नेविगेशन, तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इसके अंदर नेविगेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो नेविगेशन के लिए यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है इसके अंदर, एनर्जाइजिंग कंफर्ट मिलता है, डायनेमिक सेलेक्ट मिलता है, असिस्ट मिलता है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ें जो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये देखिए ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट, लंबर सपोर्ट, उसके बाद सीट हीटिंग बैलेंस और रीसेट। अभी इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो सीट्स हैं वो पूरी मसाजेबल सीट्स होती हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे अभी आप देखोगे तो अभी ये हीटेड सीट हो रखी है, तीन मेमोरी सीट्स भी मिलती हैं इसके अंदर आपको। और जो ये जो कंट्रोल हैं, अब आप ये देखो कि कितनी पीछे मैं जा सकता हूँ, अब आप ये देख रहे हो अभी कितनी फोल्ड हो जाएगी सीट, ये देखो आप क्या यार क्या लग्जरी है। और उसी के साथ जो हेडरेस्ट हैं उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा आगे कर लेते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं इस गाड़ी को। अब जो मेन बात जो है वो है इधर आपको ये ब्रांडिंग ना मर्सिडीज़ की नहीं मिलती, सारी ब्रांडिंग मेबैक की मिलेगी लोगों की। अब इधर खोलते हैं तो इधर आपको यूएसबी पोर्ट मिलते हैं और बहुत ही अच्छा वेलवेट फिनिश में फ़ोन रखने के लिए आपको ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। अब आई डोंट नो कि ये वायरलेस चार्जिंग है कि नहीं है, लेट्स ट्राई दिस, ये होती है नहीं होती है वायरलेस चार्ज, हो रहा है देखो ये वायरलेस चार्जिंग भी है दोस्तों इसके अंदर। अब देखते हो मैंने अपना फ़ोन हटाया, अब ये देखिए चार्ज होना शुरू हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड अ वायरलेस चार्जिंग, इस तरफ से दोनों तरफ से खोल सकते हैं, मतलब एक तरफ से नहीं खुलेगा, ये दोनों तरफ से ऑपरेटेबल है। अब इधर जो ये है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो कप होल्डर हैं, इनको आप पानी को ठंडा भी कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं। अब इधर आप देख पा रहे हैं, इधर आपको डिसेंट स्टोरेज मिल रही है, यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए और लाइटर के लिए सॉकेट मिल जाता है, एसी के कंट्रोल अपने यहाँ पे हैं सारे के सारे। और उसी के बाद अगर हम बात करें मेन्यू की, अब जैसे मैंने मेन्यू में गया तो आप देख सकते हैं इमेज किस तरीके से बन रही है गाड़ी की। एमएन लाइट की तरफ चलते हैं अब इस गाड़ी की, कि एमएन लाइट में हमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। अब दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर 64 मल्टी कलर्ड एमएन लाइट मिलती है। अब आप देखोगे तो जैसे जैसे मैं चेंज करता रहूँगा ये उस तरीके से चेंज हो रही है। अब ये देखिए आप,
जैसे जो मल्टी कलर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें से अभी ब्लू हो गई है, आप रेड पे सेट कर लें तो 64 मल्टी कलर्ड के ऑप्शन आपको मिलते हैं इसके अंदर मिक्स। तो अभी जब रात होगी तो और बहुत ही बेहतरीन कलर में ये उभर के आएगी। और उसी के साथ अगर आप डैशबोर्ड की शक्ल देखना चाहो तो डैशबोर्ड अगर आप देखोगे तो जो ये लेदर है, ये लेदर फिनिश है, ये फिनिशिंग इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करती है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया दोस्तों कि ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, ये यहाँ पे स्टेयरिंग पे, अब ये सब टच है। अब ये देखो आप, ठीक है, रेडियो सर्विस एंड एवरीथिंग, ये सिर्फ एक टच है, कोई एफर्टलेस डिज़ाइन है। अब इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये सब आपको टच दिखेगा। आप चाहें तो इसे डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्लासिक कर दिया मैंने इसका डिज़ाइन। और उसी के साथ अगर मैं और चेंज करना चाहूँ तो इसके अंदर आपको ये देखिए, ये गाड़ी का डिज़ाइन है। आपके अकॉर्डिंगली आप किस डिज़ाइन में गाड़ी को चलाना चाह रहे हैं या कैसा आपको डिज़ाइन पसंद है। अब दोबारा से हम इसे स्पोर्ट्स पे कर देते हैं, तो स्पोर्ट्स पे कुछ ये डिज़ाइन है। तो तीन डिज़ाइन ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं स्पीडोमीटर के। तो ये जो गाड़ी है आगे से देख ली हमने, जितनी हमने आपको दिखानी थी। अब बात करते हैं इसकी पीछे से, और पीछे से ये गाड़ी जो लग्जरी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। तो आइए अब बैठते हैं इस गाड़ी के पीछे और देखते हैं पीछे से क्या लग्जरी आ रही है इस गाड़ी की। वाओ, व्हाट अ लग्जरी दोस्तों, अब ये है असली लग्जरी कार, अल्ट्रा लग्जरी कहते हैं। अब सबसे पहले जो इस गाड़ी में हम बैठते हैं, सबसे पहले मैं आपको मेबैक की जो ब्रांडिंग है वो दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं स्क्रीन को बंद कर देता हूँ और अब दोबारा से चालू करता हूँ। अब ये देखो आप, ठीक है, अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अभी आप देखते हो, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी में बैठा हूँ तो मुझे अल्ट्रा ही कंफर्ट चाहिए। अब आप ये देखो, अभी बटन देखो, ये बटन दबा रखा है। अब आप देखना ये क्या होगा मामला यहाँ पे। अब आप उस सीट को देखो, वो सीट कहाँ पहुँचेगी। अभी देखो मेरा, देखो अब मेरी सीट कैसे बनेगी। अभी उसके आगे एक और चीज़ आएगी, उधर सीट में से भी कुछ निकलेगा। अब ये पूरी हो गई है सेट, बिल्कुल सीट, अब ये पूरा बेड बन चुका है। तो आप चाहे तो इसे अपना आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट। अब आपको पता है कि यार ये ऐसी गाड़ी है कि प्राइवेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्राइवेसी करते हैं थोड़ी सी इस गाड़ी की। ये कटन हो गए, अब प्राइवेसी और करते हैं। पीछे देखो, पीछे कटन, अब और प्राइवेसी करते हैं। अब पूरी गाड़ी के अंदर प्राइवेसी हो चुकी है, बाहर वाले को अंदर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा कुछ आइडिया नहीं होने वाला है। एसी वेंट्स आप देख पा रहे हैं, पिलर्स में आपको दिखते हैं एसी वेंट, और पीछे ऑटोमेटिकली ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल रहा है आपको। आर्म रेस्ट है पीछे यहाँ पे, और जो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये देखो, ये ब्रांड न्यू कार है दोस्तों। अब ये देखो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मर्सिडीज बेंज। अब ये क्यों कहा जा रहा है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखो, हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक तरह से। अब इस गाड़ी के अंदर आपको अपने को क्या क्या मिलता है ये देखो आप। सबसे पहले तो आपको ये एस्ट्रे मिलती है, ठीक है, गाड़ी के अंदर, जो कि आप रखने के लिए जो जगह है वो उस तरह से दिखा देंगे मिस्टर भैया। दूसरा आपको दोनों रिमोट मिलते हैं जो कि ऑपरेटेबल होते हैं, दो सेपरेट रिमोट जो कि आप ऑपरेट कर सकते हैं यहीं से। अब ये देखो, मैं वॉल्यूम ऑपरेट करता हूँ तो उधर देखो आप, ये देखो, के साथ साथ अगर चाहें हम तो इधर से बैक भी कर सकते हैं, पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। आप सामने देखोगे तो आपको जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे मैं लेफ़्ट करता हूँ, अब इधर से रिमोट से मैं कर रहा हूँ लेफ़्ट राइट, तो जैसे अभी आप इसमें देख लिया, अब आप सामने देखिए, अब सामने फोकस हो रहा है, अब लेफ़्ट राइट, ये सारा यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो ये दो रिमोट मिलते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल है। अब उसके बाद आप कहोगे कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर आपको अगर जैसे कोई पीछे पैसेंजर बैठा है, वो चाहता है कि नहीं यार मैं सेपरेटली कोई चीज़ सुनना चाहता हूँ, तो ये आपको हेडफोन्स मिलते हैं मर्सिडीज़ के, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन्हें लगा के भी कि किस तरीके से लगते हैं। अब ये देखो, ये इस टाइम ये सेट हो गए। मैं चाहूँ तो हेडफोन भी यूज़ कर सकता हूँ, और पीछे वाले जो पैसेंजर एक और होगा मेरे साथ वो भी हेडफोन यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको दो रिमोट के साथ साथ दो हेडफोन मिलते हैं। ये ब्रांड न्यू कार है दोस्तों, बिल्कुल ही लेस ड्रिवन है। और नई गाड़ी से अगर मैं इस गाड़ी का प्राइस कंपेयर करूँगा प्रीओन्ड में, तो आप भी कहोगे कि नहीं वाकई बहुत ही यार सस्ती लग रही है गाड़ी। अब इसे रख देते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और गाड़ी को। ओके दोस्तों, तो ज़रा अब ज़रा हम ज़रा इसकी ड्राइव का फील ले रहे हैं कि चलने में जो एक कम्फर्ट है, क्योंकि इसके अंदर एयरमेटिक सस्पेंशन है। और आप गाना सुनो अब इसका, बर्मिस्टर का,
आपने सुना दोस्तों, सिर्फ एक बटन दबाया और मैंने उसे पॉज कर दिया। भैया देखो दोबारा से बहुत अमेजिंग है, फुली एयरमेटिक सस्पेंशन है, गड्ढों का कुछ भी नहीं पता लगता। इस टाइम इस गाड़ी की अभी स्पीड चल रही है मीटर पे अगर हम देखेंगे तो, अभी ये 40 पे जाने वाली है गाड़ी, अभी पूरी 40 पे भी नहीं चल रही गाड़ी आप देखते हैं। और आगे से भी जो आप इसका डैशबोर्ड देख पाएंगे, एम्बिएंट लाइटिंग देख पाएंगे, तो वो भी आपको आइडिया होगा कि नहीं वाकई यार गाड़ी बिल्कुल ही वर्थ है। अब बात करते हैं इसकी, ज़रा ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, जैसे अभी मैं कर्टन्स वगैरह इसके बंद कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, इससे एम्बिएंट लाइट का जो इफेक्ट है वो दिखेगा। अभी इसके अंदर कितनी ज़्यादा लाइटनिंग है। अब यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स भी मिल जाते हैं जो कि उस तरफ भी है। अब बर्मिस्तर का जो ऑडियो है वो आप देखोगे, एक इधर इधर उस तरफ, और उसी के साथ साथ पीछे भी आपको एक छोटा सा सबवूफर इसके अंदर ऑप्शन में मिलता ही है, पीछे जो डिक्की में मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक डिसेंट स्टोरेज मिल जाती है जिसमें HDMI का भी आपको ऑप्शन मिलता है और दो USB पोर्ट मिलते हैं। उसी के बाद बात करते हैं पीछे, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाता है। तो इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि ये Maybach है दोस्तों। अब ये देखो आप, वायरलेस चार्जिंग पीछे भी आपको मिलती है, और इनफैक्ट जो आप देख पा रहे हो एस्ट्रे, वो यहाँ पे आपको होल्डर मिल जाता है एस्ट्रे का। और अगर आगे देखना चाहोगे तो आगे आपको CD चेंजर दिखता है इसके अंदर, और उसी के साथ नीचे भी आपको कुछ स्टोरेज मिलती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, और आपको एक सिगरेट लाइटर के ऑप्शन भी मिल जाता है। Maybach की ब्रांडिंग इधर मिल जाती है, और AC के सारे कंट्रोल तो आप देख ही पा रहे हैं। अभी आप देखो मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ, एयरमेटिक सस्पेंशन के पूरे मज़े हो रहे हैं। ये बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई आइडिया नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आई होप कि हम लोग अच्छे तरीके से आपको दिखा पाए। सो, बहुत मज़ा आया इस वीडियो को आज बना के और कंफर्ट लेके इस गाड़ी का। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें लिखना ज़रूर कि कैसा लगा आज का आपको ये व्लॉग। तो अब डील शुरू करते हैं इस गाड़ी की, क्योंकि ये गाड़ी है सेल पे अवेलेबल द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे। अगर मैं नई गाड़ी की बात करूँ दोस्तों, तो ये नई गाड़ी सन 2020 में भी अगर लेने जाओगे तो ये गाड़ी आपको पड़ेगी 2,30,00,000 रुपए की ऑन रोड दिल्ली के अंदर। अभी मैं इसका प्राइस डिस्क्लोज करूंगा, पहले आपको बता देता हूं कि किस मॉडल की गाड़ी है। तो ये गाड़ी रहने वाली है सन 2019 मॉडल, यानी लास्ट ईयर की गाड़ी है ये। लास्ट ईयर मतलब सन 2019 जो अभी अभी गया ही है, तो ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं हुआ। और गाड़ी चली हुई है माइल्स में 7,000 समथिंग, तो अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो तकरीबन 12,000 किलोमीटर चली है अभी तक ये गाड़ी। वेल मेंटेन है, सर्विस रिकॉर्ड के साथ है, सब कुछ लोडेड है, इंश्योरेंस भी इस गाड़ी के अंदर अभी वैलिड है अप्रैल सन 2020 तक। अंडर वारंटी है गाड़ी, ब्रांड न्यू है, हर चीज़ इस गाड़ी की बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, चाहे वो गाड़ी के रिमोट कह लो, हेडफोन्स कह लो, अनयूज्ड गाड़ी है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि भाई गाड़ी अंडर वारंटी भी है, इंश्योर्ड भी है, 19 मॉडल है, 12,000 किलोमीटर चली है, 2,30,00,000 की नहीं आती है, तो आप क्या डील लेके आए हो। तो इस गाड़ी में 2,30,00,000 से अगर मैं कंपेयर करूं तो आपके 50,00,000 रुपए सेव होंगे, क्योंकि इस गाड़ी की जो डील है द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे वो है 1,80,00,000 रुपए, यानी 1,80,00,000 रुपीस फॉर दिस Maybach 2019 मॉडल, 12,000 ड्रिवन विथ सर्विस रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग इज लोडेड हेयर। अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में द कार मॉल दिल्ली की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्क्रीन पे आपके नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके सिर्फ Maybach की नहीं और भी बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों की डिटेल पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आज की कैसा लगा आज का आपको ये व्लॉग। इसी के साथ My Country My Ride मिलता रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग My Country My Ride।
See you off. Bye bye and take care.